दोस्तों मैं जा रही हूँ जोधपुर से दिल्ली, और इस बार ही बहुत बार ही ऐसा हो गया जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली टू जोधपुर। अभी बस 3-4 दिन के लिए घर आई थी और एकदम शॉर्ट नोटिस पे दिल्ली जा रही हूँ। इसकी सारी स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। अभी मेरे सामने बच्चन पांडे की पिक्चर चल रही है और बच्चन पांडे की शूटिंग में हम लोग गए थे जैसलमेर, कीटली सैलून, जैकलिन फर्नांडिस और ये अक्षय कुमार को बहुत पास से देखा था। तो अभी तो बस जा रही हूँ, आगे आपको बताती हूँ कैसा रहा सफ़र, क्या क्या होगा, सबका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने करी है कैब एज़ यूजुअल। सो मैं दिल्ली में रह रही हूँ अभी, गुड़गांव DLF के पास। तो मैं गुड़गांव तक की ही बस लेती हूँ और गुड़गांव तक का ही अगर ट्रेन में आती हूँ तो ट्रेन का रेलवे स्टेशन लेती हूँ ताकि मेरे रूम के आसपास हो जाता है इसीलिए। तो अभी सबसे पहले हम रूम में जा रहे हैं। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts. तो अभी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आई थी और आज डॉक्यूमेंटेशन मेरा फाइनली हो गया, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। अब है ना ट्रेनिंग के लिए कुछ टाइम बोला है तो देखो कब तक कॉल आएगा। तो करीबन 2-3 दिन तो दिल्ली में ही रहने पड़ेंगे और अभी एयरपोर्ट में ही बैठी हूँ। मेरी एक फ्रेंड मुझे लेने आने वाली है, बहुत टाइम से उससे मिलने का मन था तो वो आने वाली है, उसका वेट कर रही हूँ। वेट करते करते 10-15 मिनट हो गए हैं और सब यहीं पर देख रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो आएगी फिर मैं उसके साथ थोड़ा बाहर जाऊंगी, थोड़ा मतलब मूड फ्रेश करूंगी, क्योंकि सच्ची में दिल्ली में मन नहीं लगता है मेरा, मेरे दोस्त नहीं है यहाँ पे। तो बस उसका वेट कर रही हूँ अभी एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। तो अब मेरी फ्रेंड आ गई, तो अब हम गए थे चिकन स्ट्रीक करके एक जगह है जहाँ पे कबाब और बिरयानी मिलती है मेरे रूम के एकदम साइड में। तो यहाँ का मीनू थोड़ा अट्रैक्टिव लगा मुझे, तो यहाँ पे देखो हमने मंगाई थी चिकन दम बिरयानी और ये इनका मीनू, रीज़नेबल रेट था, बहुत लोग आते हैं खाने के लिए और दिल्ली कहते हैं ना खाने वालों की जगह है। तो ये रही हमारी चिकन बिरयानी जिसके साथ सालन था, दही था और प्याज के बिना तो मेरा खाना ही अधूरा है, मैं बिना कच्चे प्याज के खाना खा ही नहीं सकती। तो अच्छा था बट बेस्ट नहीं था, बेस्ट नहीं कह सकती मैं इसे, नॉर्मल मुझे ये चिकन बिरयानी लगा। तो अभी इसे खाती वो EMI लेके इतना महंगा फ़ोन लिया और उसने फ़ोन में एक फ़ोटो तक नहीं खींची और DSLR और उसके पास। मैं मतलब शर्म आती हूँ उन लोगों पे जो बेचारे फोन लेते महंगा और एक फोटो नहीं खींचते यार। राइस थोड़ा प्लेन है पर उसके साथ सालन भी अच्छा लगा। मतलब अभी जस्ट नहाई हूँ और इधर इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ रही है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, बहुत गर्मी है ठीक है। और बहुत मेरे साथ ना मेरी एक फ्रेंड भी आई थी और अभी वो जस्ट नीचे गई है, बहुत ही अच्छी लड़की थी।
तो अभी मैं अपना ना DSLR नहीं लेके आई हूँ, तो अभी आज जितने भी शूट्स आएंगे वो सब इसी तरह आएंगे जिसमें मैं अपना कैमरा इस तरीके से पकड़ूंगी और ब्लॉग चलेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बारिश हुई है। और रूम के अंदर पानी भर गया और वो रूम साफ़ करना है मुझे, क्योंकि उसके अंदर भी पानी भर गया, इस साइड से भी पानी हो गया और पीछे वाले साइड से भी पानी खूब सारा है। पर अभी मैं थोड़ा यहाँ पे मौसम इंजॉय करूँगी। हमने सोचा था 2 दिन वो मेरे यहाँ रहेगी, 2 दिन मैं उसके यहाँ रहूंगी, और बहुत ही अच्छी लड़की है और वहीं पे मेरे साथ ही काम करती है एयरपोर्ट में। तो आज मैं इसके रूम में आई हूँ, और ये इसके रूम की बाहर की जो बालकनी है वो है। और आज ये मेरे लिए क्या लेके आई है, ये सबसे पहले मेरे लिए मोमोज लेके आई थी, तो इस पैकेट में कुछ नहीं मोमोज हैं, और वेज मोमोज है, क्योंकि उस दिन थर्सडे था, तो थर्सडे के दिन मैं नॉनवेज नहीं खाती। उसके साथ चटनी जो मोमोज की होती है लाल वाली, और मियोनीस, तो ये हम दोनों ही ख़त्म करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे सुबह, पता है हमको ना मतलब नेल पेंट लगाना था, तो ये देखो उसका सारा नेल पेंट का कलेक्शन उठा लाई। बट ना हम ना इस तरीके की वाइट नेल पेंट ही लगा सकते हैं, और कोई और कलर की नहीं लगा सकते। हाँ मेरे हाथ आप लोगों को थोड़े अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि क्योंकि हाथ अच्छे नहीं है इसीलिए नहीं लग रहे हैं। तो अब मैं ये नेल पेंट लगा लेती हूँ, तो कौन सा वाला लगाऊंगी मैं, ये देखो वाइट वाला ही लगाऊंगी मैं। और ये देखो मैंने लगा लिया है, थोड़ा मैंने खिड़की के बाहर रख लिया ताकि ये फटाफट से सूख जाए। और यहाँ पे मैं अपने हाथों का शो ऑफ कर रही हूँ, और मुझे पता है मेरे हाथ बहुत ही ख़राब है। और आज ये देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी रिमझिम बारिश जैसी हो रही थी, और ये उसकी बालकनी का पीछे वाला एरिया है। यहाँ पे ना दोस्तों नोएडा शुरू होता है इसके, मतलब ये अशोकनगर और नोएडा का बॉर्डर है। तो ये अभी की बालकनी है जहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ ना, उधर की बालकनी है, और पीछे बहुत अच्छा व्यू, और अभी बारिश हो रही है इसलिए मैं सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अभी मैं नहा धो के निकली हूँ, और नीचे मैंने पहना हुआ है क्या बोलते हैं टावल, और मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए आई हूँ बालकनी में। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मन कर रहा है कहीं बाहर घूमने का। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक इतनी गर्मी में मिल जाए, और वो भी कुछ बर्फ़ के साथ। जो लोग इसे कुछ गलत समझ रहे हैं मैं बता दूं, ये कोल्ड ड्रिंक है, और इसे चलिए फटाफट से पी लेते हैं। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 तारीख और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। सबसे पहले मैंने आज अंडा करी बनाई है, नॉर्मल अंडा करी जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाई है, जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया वैसा ही बनाया। बस आज उसमें मीट मसाला और चिकन मसाला डाला था, तो उससे उसका टेस्ट और अच्छा आ रहा है, तो वो बनाया। और आज मैं सोचूँ कि बालों में तेल लगाऊंगी, फिर शैम्पू करके पार्लर जाऊंगी, हेयर कट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और हेयर कलर की भी बहुत ज़रूरत है, और बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो अभी ये जस्ट प्लान है, मतलब कि जाऊंगी, बहुत दिन से सोची हूँ कि जाऊंगी जाऊंगी, बट टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखो कि जाऊंगी तो हेयर कलर भी करवाना है, हेयर कट भी कराना है, क्या करूंगी अभी, बहुत सारा देखूंगी कि कौन सा लुक अच्छा रहेगा कौन सा नहीं लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो अंडा करी मैंने बनाई है उसकी फ़ोटो, बहुत टेस्टी लग रही है, पता नहीं खाने में कैसी होगी।